आप सफल नहीं होंगे। इसके साथ ये भी आपको सोचना है कि आपको कर्तव्य करने होंगे, पढ़ाई में मेहनत करने होंगे, रेगुलर विद्यालय आने होंगे और जो शिक्षकों के द्वारा बताए हुए लेसन्स है, कार्य है, होमवर्क है, उसको आप निरंतर पूरा करते हुए जो है अपने को बनाए रखेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी जो आप चाहते हैं। प्रबंधक जी वाले शिक्षा प्रबंधक जी कहीं आप जानते हैं कि शिक्षा वो सिंधनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। शिक्षा आपके पास आ जाएगी तो आप निश्चित रूप से जीवन में उन्नत कर ले जाएंगे और अपने जीवन को तथा समाज व राष्ट्र के जीवन यदि भविष्य को भी अच्छा उज्जवल बनाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आप पढ़ाई के साथ साथ शिक्षकों का मार्गदर्शन ठीक प्रकार से प्राप्त करें, उनको सम्मान एक साथ ही शिक्षकों का कर्तव्य है कि हमारे बच्चों को सही ज्ञान सही शिक्षा दें, झूठा ज्ञान अल्प ज्ञान छोटा रास्ता ना बतलाएं। छोटा रास्ता आप समझते होंगे नकली क्या, कड़ी मेहनत के पट उनका उनको प्रेरित करें और विश्वास जताएं, कोई ऐसा टिप्स या वो न बताएं कि ये खा करके तुम पास हो जाओगे चाहे प्रभु। वो अपने को हर दृष्टि से जिस विषय का जो शिक्षक है पूर्णतया तैयारी में रहे और तैयारी में रहकर ही वो क्लास में पढ़ावे। यदि उसको उस दिन का क्लास में क्या पढ़ाना है उसके बारे में जानकारी नहीं है तो कतई दूसरा बार होमवर्क जांच ले, अन्य चीजें बता दे, लेकिन क्लास ना दे। क्लास में घुसने के पहले 10-15 मिनट पहले जो पढ़ाना है उसको उसके टेस्ट की जानकारी देनी है और उसी ज्ञान से बच्चे लाभान्वित होंगे। समय परिवर्तित हो गया है, युग बदल गया है, पुरानी शिक्षा पद्धति बदल गई है, उनको छोड़े नए नए विषय पाठ्यक्रम नई नई पद्धतियाँ हैं, उसको अपना करके हमारे शिक्षकों को जो है वो हमारे छात्रों को शिक्षित करें, तभी हमारा कर्तव्य पूरा होगा। इतनी बात कह करके मैं आप सभी लोगों को आए हुए लोगों को तथा अपने प्यारे बच्चों को इस शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं कि आप जीवन में अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। जय शिक्षक, जय।